वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा पाँच की, जो 2024-25 में न्यू बुक आई है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज चैप्टर नंबर 7 दशहरा। तो देखते हैं दशहरा, इसमें ऐसा कुछ चैप्टर दिया है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मैसूर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक में। उसके बाद रावण का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, दशानन। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जाता है? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, मैसूर। फिर प्रश्न नंबर 4 है, माँ सरस्वती की विजयदशमी पर किस राक्षस का अंत किया था? तो महिषासुर, माँ भगवती ने विजयदशमी पर महिषासुर का अंत किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर ब्लोम शब्द बनेगा? तो इसमें हम जोड़ देंगे आ, तो ये बन जाएगा अधर्म, धर्म का अधर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सभी बच्चों ने मेले से खिलौने माँ को दिखाए, विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं, लोक नृत्य और परिधान संस्कृति की पहचान कराते हैं। उसके बाद मैदान चारों तरफ से सजा हुआ था, गुण शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द गुणी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, श्री राम के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है, तो हम बनाएंगे प्रांत का प्रांतीय, बंधन का बंदनीय। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसके बाद आपके शहर गांव में दशहरे पर किन पुतलों का दहन किया जाता है? तो रावण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। रावण में कौन कौन से अवगुण थे? रावण में अति घमंड, अत्याचार, बेईमानी जैसे अवगुण होते हैं, मतलब थे, ये लिख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 16 है, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? श्री राम ने राक्षसों का वध इसीलिए किया क्योंकि राक्षस शुभ कार्यों और यज्ञों में बाधा पहुंचाते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 में राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा है? क्योंकि इस पर्व पर राम जी ने रावण का वध करके अच्छाई पर विजय का संदेश दिया है। इसी तरह सभी इस दिन देश व समाज की बुराई को साहस के साथ मिटाने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, संज्ञा शब्दों के विशेषण छांटने हैं, तो गुड़ का हो जाएगा गुणी, वर्ष का आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये रॉन्ग है, मैंने कट किया है, जो यहाँ आपको बताना है। बुद्धि का बुद्धिमान हो जाएगा, अनुभव का अनुभवी हो जाएगा, भारत का भारतीय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है, उस दिन दशमी तिथि थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले किसी अन्य त्यौहार के बारे में लिखिए। होली का त्यौहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्त प्रहलाद को कई दंड दिए, उसने अति करते हुए होलिका को जिंदा जलाने का आदेश दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया है, इस तरह होलिका दहन भी यही संदेश देता है। तो ये था चैप्टर एड ग्रेड का चैप्टर जो आपका फिल हो चुका है, मैंने पढ़ा दिया है आपको पार्ट नंबर 7। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और बना सकूं। थैंक्स फॉर